बताओ अभी तक आप रेडी नहीं हुए हैं, सिर्फ आप रेडी होने बाकी हैं, बाकी सब रेडी हो चुके हैं। ओफो सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी, मैंने देखा रही कि आप नाड़ा बांध रहे थे अपना ये, और ये एडिट भी नहीं होगा, ये सीधा ब्लॉग में जाएगा। तो कैसा लग रहा है भाई, कैसा लग रहा है भाई? तुम्हारा अच्छा लग रहा है, देखा नहीं भाई, तुम्हारा अच्छा लग रहा है, भाई तुम्हारा अच्छा लग रहा है, एडिट हो जाएगा ठीक है ना? कैसा है? लुकिंग गुड, लुकिंग गुड, गुड गुड। फाइनली वे आर रेडी फॉर द बिग डे एंड नम्रता भी रेडी हो रही है। तो क्या ड्रेस पहनी थी वो ड्रेस भी आपको पता चल जाएगी, एंड डेकोरेशन तो ऑफकोर्स देख लिया है, एंड इट्स वेरी स्मॉल फंक्शन। मेरा बस एक फ्रेंड आया है और साथ में जो है नेबर्स आ रहे हैं। थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, बहुत बड़ा है कि जो भी रस्में होती हैं वो हमारी जो बड़ी आंटी हैं वो करेंगी। हो गया बस भाई, हो गया हो गया हो गया, बहुत बड़ा है तुम्हारी, बहुत बड़ा है जो दाढ़ी बना रहे हैं, दाढ़ी भी कंघे से बना रहा है, कितना सही लग रहा है दाढ़ी। नहीं बस थोड़ा सा अनिवियन हो चुका है और कुछ नहीं, मैंने क्लीन शेव कर लिया, मतलब नहीं बार-बार मुझे अपनी अपनी दाढ़ी का जताएगा तो ठीक है ना? नहीं, because this is so cool, you know, nothing is having beard is so nice. I know, मुझे मत बता, look more sensible, but people without beard doesn't know this, you know. Edit हो जाएगा ये, इन्हें तो पता भी नहीं है ना दाढ़ी वाढ़ी। हाँ चल, दाढ़ी में तो क्या हो गया, मेरे दाढ़ी में तो क्या हो गया, दाढ़ी आ जाएगी, मैंने भी सिर्फ फंक्शन के लिए कराई थी, अदरवाइज मैं कभी भी क्लीन शेव रखता नहीं हूँ। वैसे तो आप ना दाढ़ी के भी डिसेंट नहीं हो वैसे देखा जाए तो, लेकिन वो तो मैं कैमरा के सामने बोल रहा था। अच्छा ये बता दो कौन कौन से मसाले डाले हैं, नमक को छोड़ के बता दो क्या क्या डाला है इसमें। इसमें डाला है हमने गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक छोड़ के बताओ क्या क्या डाला है इसमें। डाला है हमने छोले मसाला छोले मसाला, गरम मसाला, नमक छोड़ के बताओ क्या क्या डाला है इसमें। सारे बता दूंगा तो सारे छोड़ दो। और उसके अलावा इसमें डाला हमने ऑयल। अच्छा ऑयल मसाला, मसालों मैंने पूछा मसाले कौन कौन से डाले, ऑयल मसालों में आता है नहीं, टमाटर मसालों में आता है, जीरा पाउडर। तो अच्छा हो तुमने छोले में ये नहीं बोला कि छोले डाले हैं, हमने जीरा पाउडर डाला है। कौन सा पाउडर? जीरा पाउडर डाला, हमने डाला धनिया पाउडर। अच्छा मैं बना रहा हूँ मुझे पता है, जीरा पाउडर नहीं डाला क्यों? जस्ट डोंट डाल, नहीं नहीं डोंट डाल वाली बात नहीं, जीरा पाउडर नहीं डाला, जीरा पाउडर ना डाल के हमने सिर्फ जीरा डाला इसमें। जीरा जीरा तो डाला ही है और धनिया पाउडर भी डाला है थोड़ा सा। अच्छा धनिया पाउडर और गुड 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 गुड, हो गया और क्या काफी है बस। हाँ और पक्का ना? हाँ बस ये सब नम्रता करके गई है और इसने बस सिर्फ अपना नाम दिखाने के लिए वीडियो बनाने के लिए इसने बिल्कुल मैंने बनाया है। भाभी ने, भाभी ने वो मसाले दे दिए थे निकाल कर, हाँ। डाले हमने सारे हाँ। और राज के दीपक विराजमान हो जो महाराज के दीपक विराजमान हो जो मम्मी कैसे करना है बताते जाओ।
थोड़ी देर में हम केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। पहले हम आंटी के घर जाएंगे। पहले फिलहाल हम अभी जा रहे हैं आंटी के घर, बिकॉज आंटी ने पूरा लंच प्रिपेयर किया हम सबके लिए। आंटी ने पूरा लंच बनाया हमारे लिए एंड हमने भी बनाया अपने लिए। यहाँ पे हमने छोले पूरी बनाए थे, बट लंच मेन लंच वहाँ पे है, ये छोले पूरी हम रात को खा लेंगे। अच्छा, कढ़ाई करनी थी हमें तो इसलिए हमने बना लिया। और मेरे पीछे आ चुके क्योंकि इनको कैमरे पे आना। मैंने आज बहुत मेहनत किया, मैंने काफ़ी कुछ फ्राई करा। लपेट लेना, लपेटना नहीं है ये एकदम सच है। और इन्होंने जान बुझ करके वो वीडियो नहीं बनाया, बिकॉज इट डज नॉट मी टू शो माई टैलेंट। फ्रेंच फ्राइज तलने को कह रहा टैलेंट। नो, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज तलने का टैलेंट। स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ स्टोव, तो स्टोव के सामने खड़े होकर तुम फ्रेंच फ्राइज तल रहे हो, उसमें कोई टैलेंट नहीं है। मैं आप खड़े नहीं होते, मैं खड़ा होता हूं गर्मी में। ये तो जाकर ये बार बार फ्रिज, ही वाज ओपनिंग द फ्रिज, फ्रिज खोल रहे थे, ऐसे सर डाल रहे थे, थोड़ा ठंडा लग रहा था वापस। ओए नाम वो था झूठा, इतना झूठा, इतना कॉटन की। अच्छा ये बेबी प्रैम आ गई है हमारी, ये अंकिता दीदी ने गिफ्ट करी है बेबी के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं घर आया एंड लंच हो गया, बहुत हैवी लंच था। ये बलून में लगा नहीं पाया मैं, क्या मेरी गलती थोड़ी ना है। क्या होगा, हाँ बताओ बताओ क्या ना बोले बॉय। एक मिनट रुक रुक, गेस करो भाई, I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.